Welcome back to our next module that is coordinate geometry. Mathematical tools में ये भी सबसे important role play करेगा कि भाई coordinate geometry होता क्या है. बहुत सारे चीजें आप स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हो, आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता है. कुछ नए फैक्ट्स पढ़ने कंबाइन करके आज का लेक्चर हम बनाएंगे. इट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. पूरा लेक्चर आपको अच्छे से देखना है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे. वो चीजें सिर्फ याद रखनी है क्योंकि वो फिजिक्स में यूज होता है. ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी मुझे एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट की पोजिशन बतानी है. ठीक है, तो उस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए सबसे बेस्ट है कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूं. बहुत सारे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल है, पोलर है, सिलेंड्रिकल है. तो बहुत सारे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पर हम जो यूज करते हैं वो है राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्हाट वी यूज, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज व्हाट वी यूज. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो उसमें एक ओरिजिन होता है और एक्सिस होता है. अब ये नए वर्ड नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हो कि ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ओरिजिन. ओरिजिन मतलब एनी फिक्स पॉइंट. फॉर एग्जांपल ये रूम है, तो इस रूम के किसी भी कोने को आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, या फिर पेपर पे एक डॉट डाल दो उसको आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो. तो ओरिजिन बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है एंड सारे डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं. तो ओरिजिन बेसिकली इज अ फिक्स पॉइंट. ठीक है बच्चों, नाउ जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर ऐसे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे, ठीक है, तो इसको हम एक एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो आई कैन यू नो ऑल दिस पॉइंट्स with the help of one single axis, because this all points are moving in particular direction. तो उस particular direction में जाने वाले axis से इसको represent कर सकते हैं. मतलब अगर points एक ही तरफ जा रहे, एक ही direction में जा रहे, तो उसको एक axis से ही represent करते हैं. Remember, if all the points are in one direction, one particular direction, तो उसी direction से हम उसको represent कर सकते हैं एक single axis से, और उस axis को हम बोलते हैं x-axis. क्या बोलते हैं उसको, x-axis. तो x-axis basically आपने बचपन से जो draw किया वो horizontal draw. कि आपने बोला कि हाँ चलो ये जो horizontal axis आप draw करते हो वो x-axis है, ये वाला positive और ये वाला negative, right? बचपन में आपने ये किया हुआ है, पर जरूरी नहीं है कि horizontal line को ही हम x-axis लेंगे. अगर point इस तरफ जा रहे सारे, तो इस line को मैं क्या consider कर सकता हूँ, x-axis. So any direction, will you mean any direction? Okay, एक particular direction को मैं x-axis लेके चल सकता हूँ. Suppose इस तरफ जा रहे सारे point, इसको भी मैं x-axis लेके चल सकता हूँ. ये जो मैं single arrow draw कर रहा हूँ, वो x-axis का positive direction है. मतलब मैं सिर्फ ये वाला arrow draw कर रहा हूँ, negative arrow draw नहीं कर रहा हूँ. तो ये positive arrow है, positive direction है, तो guaranteed उसके उल्टे side में आप consider कर सकते हो negative direction. ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी उसको हम एक्स एक्सिस ले सकते. ठीक है बच्चों, नाउ सोचो पॉइंट्स एक प्लेन में है. ठीक है, एक प्लेन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए. अगर एक पॉइंट में प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो गारंटेडली हम उसे सिंगल लाइन से डिनोट नहीं कर सकते. तो अभी मुझे दो एक्सिस लगेगी, सो नाउ आई विल ब्रिंग इन टू पिक्चर वाई एक्सिस. सो बेसिकली वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्सिस जब यूज करेंगे जब हम प्लेन की बात करते हैं. तो व्हेन द पॉइंट्स आर इन प्लेन, योर पॉइंट्स आर गोइंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन रहेगा, तो एक ही एक्सिस की जरूरत है. प्लेन में रहेगा तो दो एक्सिस की जरूरत है, वन इज एक्स, अदर वन इज वाई. तो वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, तो वाई एक्सिस बेसिकली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है. और ओरिजिन से पास होगा, मतलब
की अब आए से परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एंगल प्लस 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल पॉजिटिव का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल में मेजर करें वो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखें। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मेजर कर रहा हूं एंगल को तो वो नेगेटिव होगा। तो अगर ये एक्सिस है तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये प्लस 90 डिग्री, तो ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर से देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, तो भाई वाई एक्सिस का डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कहां पे, वाई एक्सिस कहां पे, तो यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला हूं, क्योंकि प्लस 90 चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर होना चाहिए कंपलसरी, ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो ये वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ अगर ये एक्स एक्सिस है तो y एक्सिस कहां पे होगा, अगर ये x एक्सिस है तो y एक्सिस कहां पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो ये y एक्सिस हो जाएगा, तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसके उल्टे साइड में क्या रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो बेसिकली x एंड y एक्सिस कभी यूज करेंगे जब प्लेन में रहेगा, y एक्सिस क्या रहता है, x एक्सिस के ऊपर, बिकॉज़ वी आर स्टडीिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो y एक्सिस x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा और पॉजिटिव 90 पर रहेगा। ठीक है, अगर मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, अगर पॉइंट स्पेस में मोर है, सपोज दिस इज स्पेस में मोर है, तो तीन एक्सिस की जरूरत है, x y एंड z, तो वन मोर एक्सिस कमिंग टू पिक्चर नाउ, दैट इज z एक्सिस, और वो z एक्सिस क्या रहेगा, इन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, इन दो एक्सिस को म्यूचुअली, पर अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस होएगा, तो पॉइंट स्पेस में है उसको हम तीन एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x y एंड z। फटाफट बता देता हूं मैं क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया ओरिजिन, ओरिजिन मतलब एनी फिक्स पॉइंट, फिर मैंने बताया x एक्सिस, सिंगल एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, Not necessary कि हमेशा horizontal रहे, किसी भी direction में, एक particular direction में आप x-axis draw कर सकते हो, x-axis origin से pass होता है, किसी एक direction पर होता है। y-axis क्या होता है? x-axis को perpendicular होता है, origin से pass होता है, perpendicular का मतलब होता है plus 90 degree, मतलब x-axis से, x-axis के positive direction से, anti-clockwise घूमना है, तो वो y-axis की positive direction है, वो y-axis की positive direction है, ठीक है? और z एक्सिस क्या रहता है, x एक्सिस और y एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, और बेसिकली पॉइंट अगर स्पेस में रहेगा तो तीन एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं x y z, एंड दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बच्चों, आई होप यू नो ऑल दिस थिंग, ठीक है, जस्ट एक ब्रश अप कर लीजिए कि भाई x y z एक्सिस क्या होती है, थोड़ी सी Yes. Now let us go for the next कुछ straight line के बारे में बात करते हैं, coordinate geometry में। मैं बहुत सारे points यहाँ पे लिख रहा हूँ, and you have to copy down। तो video pause करके एक बार points copy down करो। अगर आपको ये सब पता है तो you can skip। ठीक है? So we are doing all basic things। सबसे पहले कि point की position कैसे बता दो? Position of a point। Now any point if it is in plane। प्लेन मतलब मुझे कितने एक्सिस चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो लेट मी ड्रॉ वन एक्स एक्सिस, वन वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज एक पॉइंट यहां, ओके, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स वन कॉमा वाई, और एक पॉइंट यहां पर लेट अस से बी, इसका नाम क्या आएगा, x2 कॉमा। तो अगर मुझे पॉइंट की पोजीशन बतानी है प्लेन में, सो आई विल सी कि x से कितना दूर है वो और y से कितना दूर है, और हाउ आई एम गोइंग टू राइट, इट इज x1 कॉमा y। सिमिलरली यहां पे ये x से डिस्टेंस हो गया, ये y से डिस्टेंस हो गया, तो पॉइंट की पोजीशन पता चल गई। तो x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, ये पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए प्लेन में यूज। If I am talking about space, तो क्या आएगा,
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर तीन कॉर्डिनेट्स ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एड्रेस बताते कि भाई ये पॉइंट की पोजीशन किधर है, कहां पे एक्स और प्लेन। अभी मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी डिस्टेंस बहुत क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्मल लगा देंगे तो आंसर आएगा रूट ऑफ इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, इससे दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चलता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहां पे, लेट अस से दिस इज p x कॉमा 1, ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है मुझे फाइंड करना। अभी ओरिजिन मतलब 0 कॉमा 0, तो यहां पे ये तो 0 हो गया, x1 और y1 तो 0 हो गया, तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो मुझे लग रहा है आपने डायरेक्ट मिल जाएगा, तो डिस्टेंस OP कितना रहेगा, इट इज दिस डिस्टेंस इज x2 plus y2, क्योंकि x2 का वैल्यू क्या है x और x1 का वैल्यू कितना है 0, तो x minus 0 थी होल स्क्वायर, दैट इज x2 plus y2, सी ऑल बेसिक थिंग। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस होता है किसी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच में इन अ प्लेन, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बचपन में पढ़ा रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ वंस यू नो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ टेल मी दिस ऑल थिंग्स आल्सो यू हैव सीन, ये भी हमने ग्राफ में कई बार 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ हम यूज करते थे, उसमें ये सब ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। So, AX plus BY plus C, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो एक्स एक्सिस पे मुझे पता है कि वाई कितना रहता है जीरो, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी पता है आपको। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन रहेगा यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो x is equal to 0, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x is equal to 0। अभी लिखा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम, तो सोचो ये अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, चलो तो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है एक लाइन ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस है और a डिस्टेंस पे y एक्सिस से a डिस्टेंस पे, सपोज दिस इज x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये डिस्टेंस a है, ये ओरिजिन है 0 कॉमा 0, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा x is equal to a, अगर यहां से जाती रहेगी तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x is equal to minus a, क्योंकि नेगेटिव साइड से जा रही है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम इट, ओके सपोज यहां से ये b डिस्टेंस है, यहां से लाइन जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बनेगा y is equal to b, अगर नीचे से जाएंगे तो क्या जाएगा y is equal to minus b, तो ये सारे बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन के, x-axis पे x-axis का इक्वेशन क्या है, y-axis का इक्वेशन क्या है, लाइन पैरेलल टू x-axis रहेगा तो इक्वेशन क्या आता है, लाइन पैरेलल टू y-axis रहेगा तो इक्वेशन क्या आता है, तो ये सारे बेसिक चीजें जो हमने ग्राफ में ऑलरेडी 9th और 10th स्टैंडर्ड में ड्रॉ की। इसके अलावा अभी अगर मुझे स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन करना है तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ये भी आपने थोड़ा देखा है स्कूल लेवल पे, पर स्लोप से हम और इक्वेशंस बनाएंगे लाइन के, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप मतलब क्या, बेसिकली स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है ओवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाइन कितना इंक्लाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक लाइन सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, एक्स एक्सिस पे कितनी इंक्लाइंड है, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओवर एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप, the inclination of line over x axis is called slope, तो ये स्लोप का मतलब है कि लाइन कितना इंक्लाइंड है x axis पे। अब मुझे वो फाइंड करना है, तो चलो ये जो लाइन है वो x axis के एंगल बना रहा है थीटा, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, तो इसी मॉड्यूल में मैंने बोला था स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव,
तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा टैन थीटा। क्या हो जाए स्लोप का फॉर्मूला? टैन थीटा, और इसका सिंबल है स्मॉल m। तो स्लोप इज टैन थीटा, सिंबल इज स्मॉल m। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, सेकेंड, नाउ टैन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल सा बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां इस लाइन पे दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन, ये पॉइंट बी एक्स टू कॉमा वाई टू, और मैंने एक ऐसे ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये भी थीटा हो गया। ये डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई वन, और ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई टू। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स वन, और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है एक्स टू, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये वाला डिस्टेंस वाई टू माइनस वाई वन, ये वाला डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज अपोजिट अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज एडजेसेंट। तो स्लोप का फॉर्मूला टैन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सिंपल है। अगर सोचो ये एक लाइन ओरिजिन से जा रही है, कहां से जा रही है? ओरिजिन से। ठीक है, तो ये चलो एंगल थीटा है, तो चलो ये पॉइंट मुझे पता है एक्स कॉमा वाई, तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, सो बच्चा ये वाला पॉइंट एक्स है और ये वाला पॉइंट क्या है? वाई। तो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस वाई है और ये वाला डिस्टेंस एक्स है। तो अगर मैंने यहां पे टैन थीटा लगाया, तो स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वाई बाय एक्स, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्ट क्या आएगा? वाई बाय एक्स। एंड इफ इट इज पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, लेट अस से एनी लाइन, तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक टू पॉइंट्स ऑन इट, और फॉर्मूला क्या लगाओगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिससे हमेशा हमने को क्या मिलता है? tan थीटा। बहुत सिंपल है ये, समझना और करना। ठीक है, तो आई थिंक स्लोप का मतलब समझ में आ गया रहेगा। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओवर x एक्सिस। फाइंड करने का फॉर्मूला tan थीटा, दो पॉइंट्स लिए मैंने और फॉर्मूला लगाया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ओरिजिन से जाता रहेगा तो डायरेक्टली वाई अपॉन एक्स। Look at the equations. अभी इसको represent कैसे करते हैं? Equations लिखने मुझे straight line के. So if I consider एक straight line जिसका y intercept c है, ऐसे सोचो. तो ये एक straight line है और ये जो है y intercept इसका c है. मतलब ये point, let us say it is 0 comma c. ठीक है? y intercept. x intercept नहीं, y intercept इसका कितना है? c है. मतलब ये distance c है. ठीक है? और ये straight line है. चलो ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप लेट अस से m है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? तो इस लाइन का इक्वेशन y बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखो ये फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज हैविंग सम y इंटरसेप्ट, मतलब y को कट करके जा रहा है। सपोज c पॉइंट पे कट किया, तो ये c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, m उसका स्लोप है। ठीक है, अब सोचो अगर मैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ले रहा हूं, अगर यही लाइन ओरिजिन से जाती, अगर यही लाइन ओरिजिन से जाती तो c की वैल्यू कितनी हो जाती थी? जीरो, क्योंकि c y इंटरसेप्ट है, तो ये तो ओरिजिन से जा रही है, तो c की वैल्यू जीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू mx। ठीक है, so y is equal to mx plus c, general equation है of y intercept वाले line का, and y is equal to mx for that line which is passing from the origin। और तो यहाँ से भी आ जाएगा m is equal to y upon x, तो y is equal to क्या हो जाएगा? mx। ठीक है, तो ये ऐसे straight line को लिखते हैं, इसके equation है slope के form में। ठीक है, और भी इसके कुछ cases हम देखते हैं। I hope यहाँ तक आपको समझ आए कि m का मतलब यहां पे स्लोप है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओवर x एक्सिस। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, कि इस इक्वेशंस को हम कैसे लिखने वाले। यस, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमने देखा ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ऑफ y इंटरसेप्ट,
और उसके अलग अलग दो केस में देखें, मैं सारे अभी यहां पे लिखे हुए फटाफट देख लेते हैं। व्हेन सी इज इक्वल टू जीरो, अगर सी की वैल्यू जीरो है मतलब लाइन कैसे रहेगी, इट इज पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, यस और नो, वेयर एम स्टैंड्स फॉर स्लोप। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, सी की वैल्यू जीरो है पर स्लोप लेस देन जीरो है। अभी स्लोप लेस देन जीरो का मतलब है कि वो नेगेटिव है, और स्लोप का फॉर्मूला टैन थीटा है। अभी टैन कभी नेगेटिव होएगा, जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा, मतलब गारंटेडली ये केस में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी रहेगी तो स्लोप क्या रहेगा, लेस देन जीरो, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा। तो स्लोप अगर लेस देन जीरो है तो गारंटेडली थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, अभी सी जीरो है मतलब ओरिजिन से ही पास होगा, बट ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल, ये थीटा है, बराबर है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो होता है थीटा। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, तो ये थीटा कैसे है, ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सी की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये तो हमने देख लिया, ये तो वाई इंटरसेप्ट वाला, ये वाला इक्वेशन है, तो ये सी रिप्रेजेंट करता है, बराबर है कि नहीं। ये वाला देखो, सी की वैल्यू जीरो नहीं है मतलब y इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट m इज लेस देन जीरो, अगेन m इज लेस देन जीरो, तो एंगल कैसे आएगा, ऑप्टिस आएगा, ठीक है। तो लाइन कुछ ऐसे रहेगी। तो ये देखो, यहां पे ये इंटरसेप्ट दिख रहा है अपने को c, और अगर आप एंगल देखोगे x एक्सिस के साथ तो वो एंगल क्या है, ऑप्टिस है। तो ये इक्वेशन किसका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका किस लाइन का इक्वेशन, पर m क्या है, लेस देन जीरो, और यहां पे ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c का ही है, पर यहां पे क्या, m पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। तो एंगल कैसे बन रहे, x एक्सिस के साथ एक्यूट, याद रखो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एंगल कैसे बन रहे, एक्यूट, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एंगल कैसे बन रहे, एक्यूट, स्लोप अगर नेगेटिव है तो एंगल कैसे बन रहे, ऑब्ट्यूस बन रहे। तो m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्यूट एंगल आने वाले, m का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ऑब्ट्यूस एंगल आने वाले। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग बोथ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, सोचो कि ऐसा एक लाइन है जिसका दोनों इंटरसेप्ट है। तो ये चलो ये ए ले लो और ये बी ले लो, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट मैंने क्या लिया, ए, वाई इंटरसेप्ट मैंने क्या लिया, बी। इक्वेशन याद रखो बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसका ए और बी क्या है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है। ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में, अभी सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में आपको समझ में आना चाहिए लाइन के इक्वेशंस कैसे। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ए और बी क्या है, इंटरसेप्ट है। देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन कॉमा वाई वन, एनी पॉइंट से एक लाइन जा रही है उसका इक्वेशन क्या आएगा। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है कि नहीं, वही फॉर्मूला है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वही लिखा हुआ है वहां पे। तो उसी से स्लोप के इक्वेशन मिलेंगे, क्योंकि x कॉमन कॉमा y1, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट से जा रहा है लाइन। इफ अ लाइन इज पासिंग फ्रॉम x1 कॉमा y1 तो ये एक जनरल इक्वेशन अपन बना सकते हैं। और लास्ट ये भी फटाफट कर देते हैं, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही कि ax plus by plus c is equal to zero, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका स्लोप मुझे चाहिए तो इसका फॉर्मूला याद रखो, माइनस ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है अपॉन y का जो कोएफिशिएंट है। क्या फॉर्मूला बच्चों, m is equal to माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट प्लस अपॉन y का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो फटाफट हमने कवर कर दिया, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने, तो मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए थे, मैंने फटाफट बता दिया, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। दैट्स इट फॉर द स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बच्चे लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें भी फ्री टाइम शॉर्ट में हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है बच्चों, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन।